कहते वैश्यवृत्ति करवाई है जयप्रकाश ने, ये जलील लोगों ने इस तरह की बात मेरे खिलाफ कही, आप जनता के बीच में लाओ, अगर वो होटल मेरा है तो मैं अभी एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, पूरा हरियाणा में डोल पिटूंगा, इससे बड़ा झूठा कोई आदमी नहीं। मैं थोड़ा जीता हूँ, जनता जीती है, जनता का सहयोगदार पंडित जी भी साथ थे। इब के मारे विधायक का नहीं देखियो के बनाऊंगा, उन्होंने तो के भिजवा दिए, लोगों ने चेहरे भिजवा दिए, चौथा भी बेच दिया, उसमें भी मेरा हिस्सा है। सर जुड़ चुके हैं इस शहर से लोकसभा के सांसद जयप्रकाश जी, जिन्होंने बड़ी फाइटिंग करी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। चुनाव जीत गए हैं, बड़ी मार्जिन से जीते हो जी आप। तो मैं थोड़ा जीता हूँ, जनता जीती है, जनता का सहयोगदार पंडित जी भी साथ थे। तो क्या लग रहा है जी विधानसभा के चुनाव सर पर जी? विधानसभा का इसी से ही नतीजा आ जाएगा, क्योंकि हम तीन सीट आ रहे हैं नौ में से, और तीनों सीटों को मैं समझता हूँ आंसी बहुत थोड़ा मार्जिन है, हम इसको कवर कर लेंगे, और जहाँ कमियाँ रही हैं वहाँ मतदाताओं की नहीं रही, वहाँ हमारी थोड़ी मोटी कमी रही है, हमने देख लिया है, हम उस पर स्टडी करेंगे बाकायदा बैठ करके, उस कमी को दूर करके हाथ से हम जीतेंगे। दूसरा हिसार 100% जीतेंगे गारंटी, 35,000 से आ रहा हूँ, 35,000 की हार मैं पहला भी कई बार जीत में बदल चुका हूँ, हिसार शहर पक्का जीतेंगे। तीसरा हमारी बरवाड़ा, बाकी हम जीते थे, हम 9 की 9 सीट विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब को सौंप देंगे। तो क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव आएंगे तो कितनी सीट जीतेंगे? मैं तो 9 की 9 कह दी मारी तो, हरियाणा में जी, हरियाणा की भी ध्यान पूछो। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, इस तरह की हवा देखिए, मैंने चुनाव बहुत लड़े हैं, 14वां चुनाव था मेरा ये, हरियाणा में किसी ने लड़े आज तक कितने चुनाव, इतनी तेज हवा विपरीत परिस्थितियों में बड़ा भारी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, और हिसार जैसा पार्लियामेंट जिसमें बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा सौदा इकट्ठा था, वो सारा एक तरफ, अफवाहें बीजेपी की एक तरफ, और आम आदमी कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता एक तरफ, 65,000 से जीत गए, इनको सारी सीट जीते हैं। एक बात जी, सरकार पूरी पड़ी थी आपका रहने के लिए? सरकार पड़ी रहेगी, कौन पूछ रहा है, गणी सरकार आई गणी गई है, अरे ये तो सरकार है नहीं, फटड़ सरकार है, इब के मैं फुर्सत में हूँ, इब के मारे विधायक का नहीं देखियो के बनाऊंगा, इब के तो मैं खुद लड़ रहा था, इब के पास लड़ा होगी पार्टी। सर तीन चौटाला परिवार खड़े थे इकट्ठे जी, लोगों ने चेहरे भिजवा दिए, चौथा भी बेच दिया, उसमें भी मेरा हिस्सा है, कलायत उसी में है ना, जिस कलायत को वो अपना घर मानते थे उस कलायत ने जमानत जब्त करा दी अभय चौटाला की, और ये अभय चौटाला का अहंकार, उसकी गंदी भाषा, आपको मालूम है इस पर परिवार ने मेरे खिलाफ कितने गानों ने आरोप लगाए थे, आज कहता हूँ मैं, लाओ वो वीडियो, लाओ उस होटल का रिकॉर्ड जहाँ कहते थे वैश्यवृत्ति करवाई है जयप्रकाश ने, ये जलील लोगों ने इस तरह की बात मेरे खिलाफ कही, आप जनता के बीच में लाओ, अगर वो होटल मेरा है तो मैं अभी एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना इस परिवार ने माफी मांगनी चाहिए, अगर ये रणजीत सिंह माफी नहीं मांगेगा तो इसके खिलाफ पूरा हरियाणा में डोल पिटूंगा, इससे बड़ा झूठा कोई आदमी नहीं। तो क्या लग रहा है मिलने में छोड़ना ही नहीं, कितने दिन मीटिंग करोगे आप वर्करों के साथ? हफ्ते में 2 दिन पक्की, और दिल्ली क्वाड खुल रहे, जो मैं था मैं यहीं रहूंगा, लोगों में रहूंगा, 13, 14, 15, 16, 17 फेरी से आ रहा हूँ। दिल्ली के क्वाड खुले हैं ये बात कही है जो हिसार से कांग्रेस के सांसद बने हैं जयप्रकाश जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि और हिसार लोकसभा की तमाम सीटें जीतेंगे और हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, ये बात हिसार लोकसभा से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कही। राम राम जी, मैं हूँ सोनम तिवारी और मेरे साथ हैं ललित भारद्वाज जी, और इनका चैनल है हरियाणा पोल खोल न्यूज़, तो इनका चैनल यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो आप सभी लोग जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और इनको फेसबुक पे फॉलो भी कर लें, और अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए, सभी कलाकारों की न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।